हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह और आप देख रहे हैं रजनीकांत एकेडमी पे ये वीडियो। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो क्यू एंड ए सीरीज़ का अगला पार्ट है, मतलब पार्ट फोर है। इस सीरीज़ में मैं बता दूं, क्यू एंड ए मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़, मतलब आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर करता हूँ। आप क्वेश्चन कहाँ करते हैं, कहाँ करना है, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम कैसा भी हो, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ डालिए, मैं उसका आंसर करूँगा वीडियो बना के। तो एक ये मिस्टर दीपक कुमार ये कमेंट किए हैं, क्वेश्चन वैसे हैं, लिखे हैं, लेट ए फ्रॉम एन टू एन बी डिफाइंड एज एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू व्हेन एन इज ऑड। यहाँ पे लिख देते हैं एफ एन इक्वल टू, ये ऐसे हैं, एन प्लस वन अपॉन टू व्हेन एन बिलोंग्स टू ऑड, फिर एंड एन बाई टू व्हेन एन इज इवन, एन बाई टू व्हेन एन बिलोंग्स टू इवन। तो एन इवन है तो इसका वैल्यू है, एफ एन का वैल्यू एन बाई टू। तो बोल रहा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि बताना है कि यहाँ पे एन के सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब कि वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, प्लीज सर सॉल्व कर दीजिए। चलिए, तो आपका क्वेश्चन हम ले लिए हैं, इंक्लूड कर लिए हैं और सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ गिवन है हमको एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू व्हेन एन इज ऑड एंड एन बाई टू व्हेन एन इज इवन। हमसे पूछ रहा है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, तो वन वन और ऑन टू हम चेक करेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखना, ये एक हम सेट ए बनाते हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बी बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और देखना वन अब पुट करने पे, इसमें वन पुट करें तो क्या आएगा एफ एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू वन सबसे पहले पुट किस में होगा, तो वन जो है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट होगा, यहाँ पे नहीं पुट होगा, यहाँ पे इवन नंबर पुट होगा। तो वन को यहाँ पे रखेंगे तो वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन टू बाई टू होता है वन, तो आएगा वन का रेंज वन, मतलब वन पुट करने पे इमेज आएगा वन। टू कहाँ पे पुट होगा, तो टू यहाँ पे पुट होगा, तो टू मतलब टू इवन है तो यहाँ पे पुट होगा, टू अपॉन टू भी वन होता है तो टू का इमेज भी आया वन, ठीक है। मतलब वन और टू दोनों वन से एसोसिएट है। फिर थ्री ऑड है तो थ्री यहाँ पे पुट करेंगे तो थ्री प्लस वन यानी कि फोर बाई टू होता है टू, तो थ्री एसोसिएटेड है टू से। और फोर पुट करें, फोर इवन है तो फोर पुट करेंगे यहाँ पे, यानी फोर अपॉन टू, तो फोर भी एसोसिएटेड है टू से। ऐसे ही फाइव और सिक्स दोनों एसोसिएटेड होगा थ्री से। तो देख रहे हो यहाँ पे हर एक दो एलिमेंट एक एलिमेंट से एसोसिएट है, तो यहाँ पे ये बोलेंगे मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये मेनी वन फंक्शन है, और मेनी वन फंक्शन जैसे ही आ गया बोल देंगे ये बाइजेक्टिव है। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव, मतलब कि ये वन वन और वन वन ऑन टू नहीं है, मतलब वन वन ऑन टू में से एक भी फेल किया तो बोल देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते। अब यही क्वेश्चन ट्वेल्थ बोर्ड में आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इतना समझा के बना सकते हैं, बट यहाँ पे बना सकते हैं, लिखेंगे इफ मान लो कोई दो वैल्यू एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन जो है वो मान लिए इवन और एक्स टू जो है वो मान लिए ऑड। तो यहाँ पे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करने से आना चाहिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली। तो एफ एक्स वन क्या होगा, तो एफ एक्स वन सबसे पहले एक्स वन देखो इवन है, तो एफ एक्स वन जो होगा वो एक्स वन बाई टू होगा, एक्स वन बाई टू इक्वल टू एफ एक्स टू क्या होगा, तो एक्स टू ऑड है तो ऑड को इसमें पुट करेंगे तो ये होगा एक्स टू प्लस वन अपॉन टू। यहाँ टू से टू कटा और यहाँ पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्लस वन आया, मतलब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं आया। मतलब कि अगर एक्स वन एक्स टू दो अलग अलग नंबर ले, मतलब कोई दो नेचुरल नंबर ले जो कि एक इवन हो दूसरा ऑड हो,
एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करने से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे हियर एफ एक्स इज नॉट वन वन, एफ एक्स वन वन नहीं है, मतलब कि ये एफ एक्स नहीं है, एफ एन वन वन नहीं है, तो बोल देंगे कि एफ एन इज नॉट वन वन, दैट इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये इनका क्वेश्चन था और हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कंप्लीट। तो आगे अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ दीजिए क्यू एंड ए सेक्शन में। इस सेक्शन में आप कोई भी मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और आप क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वीडियो में वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आई होप आप दीपक कुमार मिस्टर जो पूछे थे ये इनका क्वेश्चन हो चुका है। आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पे और भी ढेर सारा वीडियो है उसको भी देखिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू।